आप जब भी फेसबुक खोलते हैं आपको हर जगह सक्सेसफुल लोग मिलते हैं। आपका एक दोस्त किसी ड्रीम कंपनी में जॉब कर रहा है, दूसरे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है और किसी ने नई कंपनी खोल ली है। अब आप उनको देखते हो और आपको अपने बारे में बुरा फील होता है कि आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा आपके साथ होता होगा, है ना दोस्तों? ये सब देख के आपके दिमाग में जो टेक कंपनी खोलने का आइडिया बहुत टाइम से चल रहा था, आप उसको खोलने का निर्णय लेते हो। आप इंटरनेट पे सबसे सफल टेक कंपनीज खोजते हो और उनकी कहानियां पढ़ते हो कि कैसे वो सिर्फ एक आइडिया से स्टार्ट हुई थी और आज उनका मूल्य करोड़ों में है। आप कंपनी खोलने वाले बंदे की खुश फोटो देखते हो कि कैसे आज उसके पास एक शानदार कार है और कैसे उसके पास एक बहुत बड़ा बंगला है। अब आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि आपको एक कंपनी खोलनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आपने सर्च किया था सबसे सफल टेक कंपनीज, ना कि ऐसी कंपनीज जो सफल नहीं हुई है, या फिर कंपनीज जो शुरू तो हुई लेकिन 5 साल तक भी नहीं टिक सकी। लेकिन ऐसा करने से आपने एक तरीके से वही सुना जो आप सुनना चाहते थे, ना कि जो सच है। 90% कंपनियाँ ऐसी होती है जो कभी सफल नहीं हो पाएंगी और उनके फाउंडर्स को कभी भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सिर्फ सफल लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, किसी की करोड़ों की नौकरी हो या किसी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन। ये सब देखकर हम अपने सफल होने के मौके को ज़्यादा आंकते हैं। हर लेखक जो सफल हो जाता है और करोड़ों किताबें बेच देता है, उसके पीछे कम से कम ऐसे 100 लेखक होंगे जिनकी किताबें कभी नहीं बिकेंगी। उनके पीछे कितने लेखक ऐसे होंगे जिनको कभी प्रकाशक नहीं मिलेंगे, और उनके पीछे कितने ऐसे लेखक होंगे जिन्होंने अपना काम अधूरा छोड़ दिया होगा, और उनके पीछे न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि वो एक दिन किताब लिखेंगे। मीडिया असफल की कब्र नहीं खोदता, ना ही ये उसका काम है। सर्वाइवरशिप बायस से बचने के लिए आपको ये खुदाई खुद ही करनी पड़ेगी। क्या इसका मतलब ये है कि आप कभी अपनी दिल की बात ना सुने या कभी जोखिम ना उठाएं? नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि सर्वाइवरशिप बायस अपना काम कर रहा है और आपके सफल होने के मौके को बढ़ाकर बता रहा है। आपको खुद ही अपने असफल काम, निवेश, करियर की चॉइस को देखना होगा और सीखना होगा ताकि आप इससे बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और इस चैनल पे संक कॉस्ट फैलेसी का वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें।